ग्राम सभा और महिला ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा, भारत गांवों का देश है। गांवों के विकास से भारत का विकास मुमकिन है। किसी भी गांव के विकास के लिए स्थायी रूप से पंचायत का गठन किया जाता है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का ही नहीं बल्कि ग्राम सभा का भी सहयोग जरूरी है। गांव का हर वो निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली संस्था है। गांव में रहने वाले सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में सभी वयस्क मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है बैठक में भाग ले सकते हैं और गांव के विकास योजनाओं को बनाने और उसे क्रियान्वयन करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक और सबसे बड़ी स्थायी संस्था है जिसकी अवधि की कोई सीमा नहीं है और ये सदैव अस्तित्व में बनी रहती है। ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य, पंचायत के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं को बनाने में मदद करना, जन शिक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में सहायता करना, गांव में सभी समाज के वर्गों के बीच एकता और सद्भाव बढ़ाना, करों दरों किराया तथा शुल्क लगाने और उनमें बढ़ोतरी करने पर विचार करना, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है जिसमें गांव के विकास के कार्यक्रमों की चर्चा की जाती है। महिला ग्राम सभा, बदलते परिवेश के साथ महिलाओं की स्थिति भी बदल रही है। महिलाएं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। ग्राम विकास के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं का योगदान आवश्यक है, इसीलिए महिला ग्राम सभा की नींव रखी गई। महिला ग्राम सभा गांव की महिलाओं की एक बैठक है जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए ग्राम सभा के सामने आती है, क्योंकि ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल महिलाएं ही बेहतर ढंग से कर सकती हैं। महिला ग्राम सभा में महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, प्रसव संबंधी स्वास्थ्य जांच, बच्चों के टीकाकरण, महिलाओं के लिए रोजगार के विकल्प, समान अवसर जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। महिला ग्राम सभा की आवश्यकता, महिला ग्राम सभा की सहायता से महिलाएं सशक्त बनेंगी और सभा में उन मुद्दों को उजागर कर पाएंगी जिन मुद्दों को ग्राम सभा में पुरुषों के सामने उठाने में संकोच करती हैं। महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे बाल विवाह पर पाबंदी, महिलाओं तथा लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा और अन्याय को रोकने के विषयों पर चर्चा के लिए महिला ग्राम सभा का होना और सुचारू ढंग से काम करना जरूरी है। महिला ग्राम सभा के दौरान प्रसव के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जांच, परिवार नियोजन, महावारी, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण, महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा के लिए महिला ग्राम सभा की आवश्यकता है। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए बच्चों के पोषण, बच्चों के टीकाकरण, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य से जुड़े सभी विषयों पर पूर्ण रूप से चर्चा हो और सभी महिलाएं जागरूक बने, इसलिए महिला ग्राम सभा होनी चाहिए। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और रोजगार के नए विकल्पों पर चर्चा के लिए महिला ग्राम सभा जरूरी है। विशेष रूप से लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके लिए घर तथा स्कूल में सुरक्षित माहौल पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें
स्कूली शिक्षा पूरी करने हेतु प्रोत्साहन के लिए महिला ग्राम सभा जरूरी है। ग्राम सभा में महिलाएं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें तथा आत्मनिर्भर होकर निर्णय ले सकें, इसके लिए महिला ग्राम सभा का होना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में विभिन्न समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, नशाखोरी, बाल विवाह, सफाई व स्वच्छता के अभाव आदि के समाधान में भी ग्राम सभा और महिला ग्राम सभा महत्वपूर्ण योगदान देकर गांव की सूरत बदल सकती हैं और ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार रूप प्रदान कर सकती हैं। मेरा गांव है मेरी शान, सभी की भागीदारी से समस्याओं का निकलेगा समाधान।